तो और बच्चे लोग गुड मॉर्निंग, हेलो, कैसे हो? यार क्या रे, क्या कर रहे तुम? गेम प्ले सुधारो ना रे। आज मैं बताऊंगा आपको अपनी एडवांस सेंसिटी का ट्यूटोरियल जो यूट्यूब पे किसी ने डाला नहीं। काफी बंदों को भी पता ही नहीं कि ये चीजें क्या होती है और ये कैसे ऑन करते हैं, ये मार्क कैसे ऑन करते हैं, ये कैसे ऑन करते हैं, वो कैसे ऑन करते हैं। यार ये वीडियो देखो ना, एंड आपको काफी चीजें पता भी होगी, लेकिन क्या आपको चीजें सही से पता है? नहीं पता होगी ना भाई लोग, क्योंकि न्यू अपडेट में कुछ सेटिंग्स चेंज हुए और उनका नजरिया भी बदल गया है बच्ची के दिल में। और क्या आपका भी स्कोप थोड़ा सा हिलता है तो अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सेंसिटी कैसे बनाए वो वीडियो देख लेना, सीरीज का ये पार्ट टू है। तो आज हम करने वाले आपका गेम प्ले बेटर और पिछले वीडियो में आपका स्कोप बेटर, तो ऐसे ही अपने गेम प्ले बेटर की सीरीज चालू होने वाली, तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो एंड तक देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ सेटिंग में अपने तरफ से बताऊंगा जो आपकी गेम प्ले में ना इतनी इंप्रूवमेंट कर देगी कि आप खेलोगे कुछ चाइनीज प्लेयर की जैसा। अरे हट रहे, अपने इंडियन प्लेयर के काम है क्या इंडियन प्लेयर्स के जैसा बच्ची के दिल में पोपट लाल। वैसे तो एडवांस सेटिंग्स में कुछ एडवांस सेटिंग मैंने जो 10 है, लेकिन 36 सेटिंग है जो आपका गेम प्ले बेटर करेंगे थोड़ा थोड़ा, और थोड़े थोड़े से ही सागर बनता है। तो एडवांस सेटिंग में जाते ही सबसे पहली सेटिंग है यूनिवर्सल मार्क। क्या आप उसको डिसेबल करोगे? नहीं, क्योंकि ये है अपना मार्क लोकेशन। आप देख सकते हो ऊपर कोने में यूनिवर्सल मार्क कुछ इस तरह से काम करता है हमें मार्क देने के लिए, लेकिन मैंने उसे डिसेबल किया है तो अभी नहीं है। तो करते हैं हम उसको अनेबल। तो सबसे पहले जाते हैं सेटिंग में, एडवांस सेटिंग में किसी का डिसेबल होगा तो अनेबल कर लेना, बहुत काम की चीज़ है बच्ची के दिल में। तो नेक्स्ट सेटिंग है अपनी टोंग टोंग, मतलब हेडशॉट साउंड, जो सबसे मेन है अपने गेम में, क्योंकि यार फील आना चाहिए ना गेम खेलते टाइम, कुछ इस तरह से नहीं आ रहा है ना फील। अभी ऑन करता हूँ और देखो कैसा फील आता है। तो नंबर तीन की सेटिंग है अपनी जंप क्लाइम। अगर आपको इसको मैनेज करना है तो मैनेज करो, स्प्रिंट करोगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, उसको आपको अलग से खेलना पड़ेगा। आप कितना भी जंप करोगे उससे नहीं होगा, अगर स्प्रिंट करोगे तो इससे ही दबाना पड़ेगा फिर आगे जाओगे। वैसे अगर अपन ने मैनेज किया और अब अगर आप फाइट ले रहे हो किसी वॉल के पास और आपने गलती से भी जंप कर दिया ना भाई, तो कुछ इस तरह से हाल हो जाएगा और आप खत्म हो जाओगे। तो फोर्थ सेटिंग है अपनी मैनेज क्राउच एंड प्रोन। अगर आपने इसे एनेबल कर दिया ना तो आपका सोने का बटन हो जाएगा गायब, सोओगे कैसे रात में, तो इसे डिसेबल ही रखना। जो फिफ्थ सेटिंग है वो है अपनी क्विक थ्रो। अगर आप इसको टैप करोगे, ऊपर करोगे और पकड़ के थोड़ा सा रखोगे, होल्ड करोगे एंड डाल दोगे ना, तो आपका ग्रेनेड मौली सीधा जाएगा कुछ इस तरह से। सेटिंग नंबर सिक्स, मौली ग्रेनेड, स्टंग ग्रेनेड। आप इसको एक तो स्विच कर सकते हो या फिर थ्रो कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो इसको रखना स्विच, ताकि आप जैसे ही ग्रेनेड स्विच करो वो आगे जाके फूटे ना और बंदे के साथ आप मरे ना। नेक्स्ट जो टू सेटिंग से वो एक्स्ट्रा है जो पहले से है ना आपके डिवाइस में, वही रख लेना, टैप टू मार्क लोकेशन और ऑटो जंप। सेटिंग नंबर 9, इसे है अपनी हेल्थ फेंकना। यार इसे एनेबल रखने का, क्योंकि कभी अपना बंदा दूर हो ना तो उसे दूर से हेल्थ फेंक के मार देना, मतलब यार उसे हेल्प करने के लिए दे देना। सेटिंग नंबर 10, ट्रांसपेरेंट यूआई मोड। अगर आप इसे ऑन रखोगे ना तो आपकी थोड़ी देर से जो कंट्रोल से ना वो गायब हो जाओगे अगर एक जगह पे खड़े रहोगे, तो इसे डिसेबल रख लेना। कभी हड़बड़ी में बंदा आ जाएगा ना तो 1 से 2 सेकंड लगते हैं इसे वापस आने में। तो सेटिंग नंबर 11, नेक्स्ट सेटिंग काम करती है अपने टीडीएम में, स्लाइड करने में। काफी बंदों को ये सेटिंग मिलती नहीं, तो एडवांस सेटिंग में जाना, थोड़ा सा नीचे स्लाइड का ऑप्शन है, ऑन कर लेना बच्चा। और मैं तो इसे ऑन ही रखूंगा क्योंकि घसर के बंदों को रेपटूंगा। तो नेक्स्ट सेटिंग है अपनी एफपीपी। क्या आपको एफपीपी का बटन गायब करना है तो इसे बस डिसेबल कर देना, एफपीपी का बटन हो जाएगा गायब और आप एफपीपी नहीं कर पाओगे, तो ऐसा मत करो यार, गेम में बहुत मेन रूल है, इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा थांबो रे। तो नेक्स्ट सेटिंग है अपनी एफपीपी डायनेमिक होल्डिंग। अगर आप इसे ऑन रखोगे ना तो आपका जो एफपीपी का स्मूथनेस है ना वो नेक्स्ट टू 100 हो जाएगा, तो इसे है ना भाई अनेबल ही रखना, मजा आता है भाई इसे खेल के, मतलब स्मूथ हो जाता है थोड़ा एफपीपी का सीन। तो नेक्स्ट सेटिंग है अपनी टीपीपी। तो मेरे जो गन है ना उस पे ध्यान रखना, और देखो जादू, तो इसे करता हूँ एकदम फुल एंड आप देख सकते हो मेरा जो एंगल है ना थोड़ा सा वाइड हो गया, तो इसे है ना 90 पे रखना। ये वाली सेंसिटिविटी, हाँ भाई ये सेंसिटिविटी है स्प्रिंट सेंसिटिविटी भाई, इसे अगर आप लो रखोगे ना तो आपकी मूवमेंट होगी कुछ ऐसी नल्लागिरी। इस पे तो एक वीडियो बना दूं ना, वो भी कम है, बनाऊंगा, थोड़ा सा थांबो। तो इसे करते हैं फुल और देखो अपनी मूवमेंट। और ये सेंसिटिविटी अपनी जॉयस्टिक के लिए काम करती है, इससे अपनी जॉयस्टिक की मूवमेंट फास्ट होती है। तो जॉयस्टिक के ऊपर भी यार कितने सारे वीडियो बनाने के बाकी है रे, थांबो रे पापा तुम थांबो। तो नेक्स्ट है एफपीपी, जो अपना एंगल है ना वो थोड़ा सा वाइड हो जाता है, तो इसे है ना भाई 103 रख लेना। आपका कितना होता है बताना यार, 100 होना चाहिए, 103 कैसे हो रहा रे। तो नेक्स्ट सेटिंग है खतरनाक, जो आप मुझे कमेंट में पूछते रहते हो भाई आप जो मार्क करते हो उसके नीचे लंबी खप्पी डंडी कैसे आ जाती है, तो वो है मार्क स्टाइल। आप इसे क्लासिक पे रख लेना, आप भी जैसे ही इस पे टैप करोगे ना मार्क पे ऐसी आएगी डंडी लंबी और खप्पी।
तो बच्चों लोग अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हो मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको कुछ मिल रहा है इससे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। तब तक दादा से बात कर लेता हूँ। बच्चा क्या आपने सब्सक्राइब कर दिया ही होगा। अभी जो आगे की सेटिंग्स है ना कतई खतरनाक है, वो है एम असिस्ट। अगर आप इसे डिसेबल रख रहे हो ना तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो और बीजीएमआई खेल रहे हो। तो इसे अगर हम डिसेबल रखेंगे ना तो आप देख सकते हो मेरा एम अपने बंदों की तरफ नहीं मूव हो रहा है। जैसे हम इसे ऑन करते हैं ना, अभी देखो जादू अपना एम है ना खतरनाक वाला बंदों की तरफ मुड़ने लगेगा अपने आप। मतलब ये काम ही वैसे करता है, अपना जो एम है ना बंदों की तरफ खींचता है। तो इसे ऑन रख लेना बच्चा। ये जो सेंस थिंग मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि भाई आपके जो बंदों के फुटस्टेप्स मार के ना भाई क्लासिक में दिखते कैसे। मतलब अभी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। इस जो सेटिंग है ना इसे है ना क्लासिक मोड पे कर लेना है और आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको ये जो फुटस्टेप्स है ना दिखेंगे। बंदा भाई कतई खतरनाक वाला सीधा दिख जाएगा, काय लाइक अ हैकल। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। सॉरी। नेक्स्ट सेटिंग क्या है, जैसे आप बंदों को मारोगे ना तो जो मार्क है ना वो ऑटो आप मतलब अपने आप बंदों को दिख जाएगा आपके टीममेट को। जैसे आप उसे मारोगे ना तो आपका मार्क दिखेगा आपके बंदों की टीममेट को, लेकिन किल चिराने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसलिए भाई लोग इसे ऑफ करना है, फिर अपने हिसाब से कर लेना। भाई लोग ये हीलिंग पोरमेंट क्या है रे, मुझे कुछ समझ रहा नहीं है, आप बताओ कमेंट में। ये सेटिंग सही में मुझे पता नहीं थी इसलिए मैं आपको गलत नहीं बताना चाहता हूँ। तो सीधा नेक्स्ट सेटिंग बताता हूँ। तो नेक्स्ट सेटिंग है कंटिन्यूसली यूज बैंडेजेस। अगर आपको टैप टैप करने में मज़ा नहीं आता तो एक बार इसे ऑन कर लो, आपकी जब तक हेल्थ फुल नहीं होती तब तक अपने आप ये बैंडेज लगाएगा। ये सेटिंग ऑन रखना, मेरे हिसाब से तो ऑन ही रखना बच्चा। ये इस वीडियो की सबसे बेसिक सेटिंग है ऑटो ओपन डोर्स। अगर आप उसे डिसेबल करोगे मतलब ऑफ रखोगे तो डोर्स अपने आप ओपन नहीं होगे और ऑन करोगे तो ऑन होगे, ये तो सबको पता है। और ये है ना भाई अपने आप कैसे काम होता है पता है, जब हमारा नेट अटकता है ना तब ये है ना डिसेबल हो जाता है अपने आप, क्योंकि नेट की वजह से साला डोर ही नहीं खुलते, फिर हम यार दीवारों से और इधर से उधर से घुस जाते हैं अंदर। ये एक सेटिंग मुझे कुछ समझ रहा नहीं रे, ब्लॉक शिप जरूरत क्या ही रही है, मुझे कुछ समझ रहा नहीं, आप बता देना कमेंट में। नेक्स्ट सेटिंग बताता हूँ ऑटो फॉलो। मतलब जैसे आप लॉबी में जाते हो ना किसी भी बंदों को अपने आप फॉलो कर देते हो, तो इसे इनेबल रख लेना। कभी आप ऑफलाइन जाओगे ना वो बंदा तो आपको सीख जगा के उतार देगा या फिर बता देगा आपको लैब पे उतार के खत्म कर देगा, इसे ऑन ही रखना मेरे हिसाब से, वरना पानी में जाओगे डूब के मर जाओगे बच्ची के दिल में। और ये जो नेक्स्ट सेटिंग है ना, ये जो आपकी कैमरा मोमेंट है ना इसे फास्ट कर लेता है। इसकी और एक सेटिंग है वो अभी और बता दूंगा, लेकिन अभी इसे इनेबल रख लेना, आपकी जो कैमरा मूवमेंट है ना वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी और गेम प्ले बेटर हो जाएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट ये जो सेटिंग है ना, ये आपके जो मैसेजेस है ना इसको ऑल पे रखती है या फिर डिसेबल कर सकती है, फिर एक मैच की तरफ ही रख सकती है, तो इसे ऑल पे रख लेना, कोई बंदी आपको मैसेज कर सकती है इसलिए इसे ऑल पे रखना बच्चा। नेक्स्ट सेटिंग है होल्ड टू मैप। ये है ना आपका कम से कम एक या दो सेकंड बचाती है, मतलब अगर आप मैप को टैप करके रखोगे तो मैप खुला रहेगा एंड जैसे आप उसे छोड़ दोगे सेम स्कोप की जैसा, जैसे हम स्कोप होल्ड पे रखते हैं वैसे ये मैप होल्ड पे रख सकते हैं, तो इसे होल्ड पे ही रखना एकदम मजा आएगा बच्चा। तो नेक्स्ट सेटिंग है शो थ्रो बॉल लाइन। वैसे ही अगर आप ग्रेनेड खींचते हो ना तो उसकी जो सामने लाइन आती है ना वो हमें दिखे या ना दिखे वो होती है, मेरे हिसाब से तो उसे दिखना ही करना मतलब शो ही करना, वरना क्या होता है पता है वो जो निश्चित डॉट दिखता है ना सामने वो वांदे होते हैं, तो हमें गेम खेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आप देख सकते हो ये और ये डिफरेंस है। नेक्स्ट सेटिंग ये जो अपना मेला ओपन है वो हाथ में रखना, इसे मेरे हिसाब से एनेबल रखने का, क्योंकि जैसे हम उतरेंगे ना हमारे पास जो चक्कू आता है ना उससे हम बंदे काट सकते हैं। ये सेटिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कान लगा के सुनना, ये काफी बार आपकी जान बचा सकती है गेम में, वाला रियल लाइफ में कोई नहीं बचाता जान। तो अभी है सेटिंग लोड इनकरप्ट पे, मतलब अपन लोड कर रहे हैं ना जब गन तब फायर नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाई चांस अगर हम लोड कर रहे हैं और सामने से बंदा आ जाए तो क्या करोगे, मार नहीं पाओगे ना, तो इसलिए क्या है ये सेटिंग है, जाके सीधा करना है फायर इनकरप्ट पे। और देखो जादू, जैसे आप लोड करोगे एंड फायर के बटन पे टैप करोगे सीधा गन फायर करने लग जाएगी बच्चा। तो नेक्स्ट सेटिंग है जायरोस्कोप। इसके बारे में किसको बताने की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी ये ऑन होते हैं कि बाद भी अगर आपका स्कोप हिलता है तो ये वाला वीडियो देख लो, 0% रिकॉल है बच्चे के दिल में 0%। एंड ये दो तीन सेटिंग्स मुझे कुछ पता नहीं है, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बस आज का वीडियो इतना ही, हमारा नया वीडियो आने वाला है क्लॉक के ऊपर, तो सब्सक्राइब करके रख देना, और कोई प्रॉब्लम आए ना भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, एक दिन के अंदर आपको रिप्लाई दे दूंगा, और कोई भी प्रॉब्लम है पूछ लेना बच्चे के दिल में। तो चलो बाय, लाइक सब्सक्राइब कर देना, अरे बाबा कितने बार बोलूँ मैं, परेशान जालो।